तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की आपने वीडियो का थंबनेल वो देख लिया, तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला फ्री फायर के अंदर आपको मिलने वाले ब्लू आर्किटेक्ट बंडल के बारे में। अब गाइस जैसा कि तुम सभी को पता है, यानी गाइस तुम अगर मेरे पुराने टाइम से वीडियो देखते आ रहे हो, तो गाइस मैंने उस टाइम पर यह बोला था कि फ्री फायर के अंदर ब्लू आर्किटेक्ट बंडल आने वाला, गाइस ब्लू आर्किटेक्ट बंडल आप सभी को मिलने वाला है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। फ्री फायर के अंदर ब्लू आर्किटेक्ट बंडल आया तो सही, लेकिन गाइस इसमें से आपको ये सिर्फ और सिर्फ 5 बंदों को मिलने वाला। अब गाइस वो 5 बंदे मैं बता सकता हूँ कि फ्री फायर के अंदर कौन से होने वाले हैं, गाइस आप में से कौन से 5 बंदे हैं जिनको फ्री फायर के अंदर ब्लू आर्किटेक्ट बंडल है वो मिलेगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में 100 डायमंड का गिवअवे चला है, तो अगर आप गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आपको अपनी यूआईडी के साथ बेस्ट कमेंट डाल देना। तो आप में से मैं किसी भी एक रैंडमली बंदे को 100 डायमंड है वो दे दूंगा। यानी कि आप में से बहुत सारे बंदे को मैंने देखा है कमेंट तो करते हैं, लेकिन कहीं वो अपनी यूआईडी वो साथ में नहीं देते। तो आपको अपनी यूआईडी साथ में देनी, जिससे कहीं मैं अपने कमेंट पर में जाकर उसको देख सकूँ कि आप में से कौन सा बंदा सेलेक्ट हुआ है। तो भाई अभी हम बात करने वाले फ्री फायर के अंदर आए ब्लू आर्किटेक्ट बंडल के बारे में। तो यहाँ पर जैसा कि तुम सभी को पता है कि जब फ्री फायर के अंदर ब्लू आर्किटेक्ट बंडल नहीं आया था, तो उस टाइम पर मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मेरे पास ब्लू आर्किटेक्ट बंडल था और ये वापस रिटर्न आने वाला था। यानी मेरे को ये लग रहा था कि फ्री फायर के अंदर ये ब्लू आर्किटेक्ट बंडल तुम सभी बंदों को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आप में से सिर्फ और सिर्फ 5 बंदों को ही ब्लू आर्किटेक्ट बंडल मिलने वाला है। यहाँ पर बात यह आने वाली है कि फ्री फायर के अंदर 5 बंदे आकर कौन से होने वाले हैं, आप में से कौन कौन से ऐसे 5 बंदे जिनको ब्लू आर्किटेक्ट बंडल मिलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं वोटिंग सही से करूंगा, ऐसा सब कुछ सही से करूंगा, तो मेरे को ब्लू आर्किटेक्ट बंडल मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। फ्री फायर के जो पार्टनर प्रोग्राम है, मान के चलो मैं फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्रामर को मेरा कोई दोस्त है, तो उसको ही वो फ्री फायर का जो यानी आर्किटेक्ट बंडल है वो मिलने वाला है। यानी आप अगर ये सोचते हो कि मेरे को आर्किटेक्ट बंडल वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तुमको सभी पता है यहाँ पर पे, मतलब अगर तुम पेड करोगे यानी कहीं पे करोगे तो ही तुमको सारी चीज़ें मिलने वाली है, अदरवाइज तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पर। मतलब भाई अगर मैं यहाँ पर सिंपली वे में कहूँ, तो जैसे आप फ्री फायर के अंदर कुछ भी चीज़ आती है ना, तो उसके बदले में हमको डायमंड देने पड़ते हैं, फिर हमको अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और तुमको पता है कि डायमंड हमको पैसे के बदले में आते हैं। तो भाई अगर हम 80 रुपये का टॉप करते हैं, तो वहाँ पर हमको 100 डायमंड मिलते हैं, 20 डायमंड एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सिस्टम यही है कि अगर तुम फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में या फिर फ्री फायर से तुम्हारी अच्छी जानकारी है, तो ही तुमको ये ब्लू आर्किटेक्ट बंडल है वो दिया जाएगा। अदरवाइज तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं वीडियो क्लिप डाल के फिर मैं अपने क्वेश्चन का आंसर सही देके मेरे को ब्लू आर्किटेक्ट बंडल वो मिल जाए, तो भाई ये तुम्हारा सोचना है वो बिल्कुल गलत है। और ये बात है तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि फ्री फायर के अंदर अगर कोई चीज़ आती है, तो भाई उसके लिए हमसे बहुत ज़्यादा डायमंड ले आते हैं। अगर वही चीज़ दूसरे सर्वर में आती है, तो वहाँ पर या तो उनको फ्री में दे दी जाती है, या फिर उनसे बहुत ही कम डायमंड के बदले में वो जो आइटम दिया जाता है वो ले लिया जाता है। जैसा कि तुम सभी को पता हो, फ्री फायर के अंदर ग्रीन क्रिमिनल बंडल आया था, उसमें मेरे कम से कम 10,000 डायमंड लग गए थे, लेकिन मेरे को ग्रीन क्रिमिनल बंडल आकर नहीं निकला। उसके बाद मैंने पैसे लगाना फ्री फायर के अंदर बंद कर दिया। ये बात तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर के अंदर कोई भी चीज़ है ना, वो अपने इंडियन सर्वर के लिए तो बनी नहीं है, और दूसरे सर्वर हैं उनके लिए मतलब वो फ्री में देंगे या फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन गाइस अपने इंडियन सर्वर के लिए वो कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देने वाले। अब मेरे को ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे बंदे ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ हमको पता है, फालतू में ज्ञान दे रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो गाइस मेरे को पता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, फिर दूसरे यूट्यूबरों के बारे में क्या सोचते हो। तो अगर तुम अपने दोस्तों को ये बात बोलोगे ना, तो उनको मतलब कुछ सोचने पर मजबूर नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूँगा फिर कोई दूसरा यूट्यूबर बोलेगा, तो कहीं ना कहीं पर वो सोचेंगे कि हाँ बंदा मतलब बात तो ठीक बोल रहा है। तो अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको मेरी बात कहीं ना कहीं पर अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। भाई कल की जो वीडियो आने वाली है ना, वो आपके आने वाले गोल्ड रोल के बंडल के ऊपर, आपको फ्री फायर के अंदर गोल्ड रोल का बंडल कौन सा मिलेगा, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट करके जरूर रखना है, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन वो सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ गाइस, अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो khoni.gamer। आगे तुम खुद समझदार हो कि फ्री फायर के अंदर हमको कौन सी चीज़ फ्री मिलने वाली, कौन सी चीज़ पैसे के बदले में मिलने वाली। अब गाइस ये ब्लू आर्किटेक्ट बंडल है वो गैरेना के जो पार्टनर प्रोग्राम में बैठे ना, उन बंदों के लिए बनाया गया है, यानी हम जैसे बंदों को ब्लू आर्किटेक्ट बंडल नहीं मिलने वाला। और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो, तो कहीं अगर तुम लोगों को सपोर्ट करना है, तो थोड़ा सा सपोर्ट अपनी तरफ से दिखाया करो, क्योंकि फ्री फायर के अंदर जो भी कुछ आता है ना, सबसे पहले मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बेल बटन नहीं दबाया, तो मेरे सब्सक्राइब बेल बटन दबाने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दूँगा। जल्दी से जल्द मैं फ्री फायर के अंदर लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें गाइस आपको बहुत सारे गवाह भी देखने को मिलेंगे, तो हो सके तो पूरा पूरा सपोर्ट वो दिखाया करो। गाइस अभी तुमको पता है कि चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, तो इसलिए मेरे को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बार बार बोलना पड़ता है। तो अभी के लिए बस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।